नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पूर्वी चीन में निर्माणाधीन पावर प्लांट ढहा, 40 लोगों की मौत, कई घायल। राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस। इराक के मोसुल शहर में आईएसआईएस ने बर्बरता की पार की सारी हदें। 15 इराकी सैनिकों की गला घोटकर हत्या, सैनिकों के शवों को शहर भर में घुमाया। भारतीय पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम को मिला अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। पत्रकार संरक्षण समिति ने दिया सम्मान। नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में की थी रिपोर्टिंग। मध्य अमेरिका के निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा देशों में तूफान ओटो देगा दस्तक। भारी बारिश के चलते कई घर ढहे, बड़ी संख्या में बचाव कर्मी राहत कार्यों में जुटे। जापान के फुकुशिमा में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 दर्ज की गई। फुकुशिमा प्रांत का तटीय क्षेत्र रहा भूकंप का केंद्र। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।